इंदौर शहर में देह व्यापार का गोरख धंधा दिनों दिन फल फूल रहा है। द्वारकापुरी पुलिस ने प्रजापत नगर के एक मकान पर छापा मारकर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश कर मौके से 6 युवतियों और एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मकान से कई संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद की हैं। फिलहाल पकड़े गए युवतियों से पूछताछ जारी है। दरअसल मामला द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश कर 6 युवतियों और एक युवक को संदिग्ध हालत में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मकान से कई संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद की हैं। बताया जा रहा है कि उक्त स्थान पर काफी समय से देह व्यापार चल रहा था। दरअसल ये सेक्स रैकेट एक महिला के द्वारा चलाया जा रहा था। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ये मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि प्रजापत नगर में एक कोई सुभाष चौधरी नामक व्यक्ति हैं, उनके निवास स्थान पर अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जिनमें कुछ पुरुष और महिलाएं लोगों का आना जाना लगा रहता है। इस सूचना के आधार पर हमारा स्टाफ के वहां पर जाकर, जो पुलिस की कार्यप्रणाली रहती है उसके तहत जाकर हम लोगों ने वहाँ पर रेड किया, तो जो वहाँ पर 6 महिलाएँ और एक पुरुष अवस्था में मिले, तो उनको यहाँ पर उनको गिरफ्तार करके और लाया गया है और उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो संचालिका हैं उनके विरुद्ध पूर्व में एक आबकारी एक्ट का मामला पंजीबद्ध हुआ है,